कि अम्मी ने दो ठो लगा दिया है। और अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और आप लोगों की दुआओं की वजह से हम सब भी ठीक हैं। तो आज है अलविदा जुमा, रमजान का कौन जुमा है? अलविदा। और रमजान का चौथा जुमा हुआ ना जी। और रमजान का ये चौथा जुमा है, तो मैंने यहाँ पे घर भी साफ कर लिया है और मैं यहाँ पे कपड़ा धो रही हूँ। तो ये लोग नहाने जा रही है तो मैं उनके लिए यहाँ पे कपड़े निकाल। तो यहाँ पे अफीफा ये वाला कपड़ा लगा रही है, ये वाला ही लगानी है जी, ये ठीक है। और यहाँ पे ये उजमा का है, टिका उजमा का, आज अलविदा है क्योंकि परब तो असल तो परब अलविदा ही होता है। तो उजमा ये लगाएगी और टिकरा का यहाँ पे ये है, देख सकते हैं तुम, यही लगाएगी जी या दूसरा? नहीं यही चाहिए। और मेरा ये तो हम लोग ये लगा रहे हैं आज। तो उजमा अभी नहाने गई है, उसके बाद कौन जाएगी नहाने? अफीफा, उसके बाद जिकरा नहा लेगी। तो ये लोग एक एक करके नहाने जा रही हैं, तो उससे पहले हम लोगों ने बच्चों ने देखो इसे फाड़ दिए पहले ही। ये वाला बाल स्टिकर है, अभी इसमें मैं इसको बाल में लगाऊं। ये दीवार बहुत ही गंदा है और यहाँ पे बहुत ही कोरकार किया हुआ है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब ये ऐसा है, हमें वॉलपेपर लगाएंगे। यहाँ पे हमें वॉलपेपर लगा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं लगा रही कि अम्मी ने दो ठो लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने परफेक्टली से अम्मी ने लगाया है, कभी कपड़ा सीती हैं तो कभी ये कर। यहाँ पे देखिए मैंने इतना तो काम कर दिया है वॉलपेपर, अभी और इधर बाकी है। तो यहाँ पे मैं बाल स्टिकर लगा चुकी हूँ और ये मेरे दीवार ऐसा दिख रहा है, पहले वैसा था, अभी देखिए आप ऐसा दिख रहा है। और ये पूरा मैंने इसे कम्प्लीट कर दिया है, तो ये देखने में कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि पहले का दीवार वाल और अभी का वाल में कितना फ़र्क लग रहा है। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और मैंने ये आलू फ्राई करने के लिए रखा है इसमें, और ये पनीर फ्राई करके पानी में डाली हूँ और यहाँ पे इसमें दाल चढ़ा दी हूँ। तो मैं इफ्तार की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा तरकारी बन के तैयार हो चुका है। मैंने एक पनीर भी उठाया, इतना पनीर उठाया। तो मैं यहाँ पे समोसे के लिए आटा गूंदी और इसके पेड़े बना रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कीमा का समोसा बनाना है कीमा वाले। तो मैं इस तरह से इसको पेड़ा बना के गोल शेप में कर दी हूँ। और ये है कीमा, तो मुझे प्याज ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसलिए प्याज डाली। और यहाँ पे मैं इसे इसमें डाल करके इसे, मैं तो समोसा ही बोलती हूँ इसे, ये मेरी सास इसको समोसा ही बोलती थी तो मैं भी इसे समोसा ही बोलती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा ये समोसा हुआ या क्या हुआ। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। ये हमने चार पीस बनाए क्योंकि हम लोग चार जन हैं, अब उन्हें आते इफ्तार करने के लिए। और देख सकते हैं, और हमें इसे सुबह में बना के फ्रीज में रख दी थी और जब इफ्तार का टाइम होगा तब इसे पकाएंगी। यहाँ पे उजमा नहा के निकल चुकी है, अब अफीफा गई है नहाने। तो यहाँ पे हम लोग नहा के आ चुके हैं और यहाँ पे जिकरा लोग भी नहा के आ चुकी है, अभी ये लोग का मेकअप चल रहा है। जिकरा का तो ये डायरी फेवरेट हो गया है कतर का, जब भी देखो ये निकाल के बैठे क्या। जिकरा कुछ बोलना चाहती है बोलो। ये मुझे बहुत पसंद आया, इसे मैं जब चाहूँ तब निकाल के बैठ जाती हूँ, लेकिन कुछ लिखती ही नहीं क्योंकि अभी दोस्त का आसरा देख रही है। चेंज करेंगे? नहीं करेंगे अब चेंज। तो यहाँ पे हम लोग मॉल आ चुके हैं क्योंकि जिकरा का कपड़ा लेना था। तो अभी ये मॉल वाकई में बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा भी है। और यहाँ तो पे हम लोग कपड़े जिकरा का सेक्शन में आ गई देखने लगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही मतलब अजीब सा कलर था इसका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जिकरा का नाप का भी नहीं था। हाँ, और वहाँ पे जिकरा भी पसंद कर रही है।
और यहाँ पे तो हम लोग बैग के सेक्शन में आ गए। हम लोग स्कूल का बैग खोलने लगे क्योंकि नया नया मतलब क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग यूनिक बैग्स लेंगे। तो यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा सा बैग था, ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही कुछ अलग था और मुझे ये पसंद आया और जिकरा को ये पसंद आया। तो देख सकते हैं आप लोग इसका पॉकेट भी बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो हम लोग मॉल से वापस आ गए और इफ्तार का भी टाइम हो गया था तो हम लोगों ने इफ्तार करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, खुदा हाफिज़।